कराइए, आप वो पैसा बच्चों के नाम पे डिपॉजिट करा दीजिए। एक साल का बच्चा है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं भी बर्थडे मनाओगे तो। फिर बच्चे थोड़े से बड़े हुए, जिद, हर जिद हम बच्चे की पुकार रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि बच्चा मोबाइल लेता है, उस बच्चे को मोबाइल किसने दिखाया, किसने परमिशन दी सारा दिन मोबाइल यूज करने की? आपने उसको कोई टारगेट ही नहीं दिया। आप उसको अपने साथ काम में लगाए, काम का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर वर्कलोड डालें, आप उसके साथ कोई एक्टिविटी करें। आप अपनी ईमानदारी से बताइए कि आप अपने बच्चों के साथ लास्ट टाइम कैरम, लूडो, कोई भी चीज किस टाइम खेले थे? याद है आपको? मुझे नहीं लगता कि आज के जो बिजी पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को, और हमेशा हमारे मुंह पे यही रहता है कि बच्चे टाइम नहीं देते, बच्चे पेरेंट्स, हमने बच्चों को कभी टाइम दिया ही नहीं। छोटा सा बच्चा आया अपने बात स्कूल की लेकर के आया, हमने उसको सुनने से पहले ही चुप करा दिया। बच्चे को प्रॉब्लम थी स्कूल में, किसी से डांट पड़ी है, किसी से लड़ाई होगी, कोई पेंसिल खो गई है, उसके लिए वो छोटे से बच्चे के लिए वो सारी दुनिया है जिसे वो आपके साथ बांटना चाहता है। आप लोगों ने जब उसको टाइम ही नहीं दिया, हम सारी दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं। मेरी दादी आई है, चाची आई है, वो आंटी आई है, मेरे को अंकल को देखना है, मुझे उनको देखना है, हम बच्चों को टाइम ही नहीं दे रहे। फिर जब वो बच्चा अपने साथ मोबाइल को अपना दोस्त बना लिया तो क्या गलत हो?